निगरान सूबाई वजीर साद खालिद चयो है तो सिंध के हर शहर में कुत्ते के डाढ़ण वाली वैक्सीन मौजूद है। अवाम के सेहत जो बेहतर सहूलतू फराहम थी रो है। अच्छा तो ता आवाज़ टीवी कराची के रिपोर्टर शहजाद जलवाणी से सिंध के सेहत वाले वजीर की गाल बोल असा मौजूद आन निगरान सूबाई वजीर साद खालिद न्याज साहब असा मौजूद हैं। असा उन्होंने गलसी सूबे की जे सेहत ज हवा से सूबे में सेहत के कड़ी सूरत हाल है। साद साहब ये आप जो आज बता रहे थे आप प्रोग्राम में कि ये जो सेल्स थेरेपी है इसके क्या स्टेम सेल्स थेरेपी इसके क्या नुकसान हैं और इसको मतलब आम लोगों को क्या मैसेज देंगे इसके बारे में? मैं आपको बताऊँ स्टेम सेल थेरेपी जो है ना उसकी इफादियत साबित है। जैसे हमने कहा जो हड्डियों की यानी बोन मैरो की जो बीमारियां हैं ख़ास खसूस उनके अंदर उसकी इफादियत है साबित हो गई। इसीलिए हमारे यहाँ सेंटर्स गवर्नमेंट के भी प्राइवेट भी उनको ऑफिशियली कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इदारे उसको उन वजूहात या उन बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी इफादियत अभी कन्फर्म नहीं है, तो वो तजुर्बाती तौर से कर रहे हैं और तजुर्बाती तौर से बहुत ज़्यादा पैसे भी ले रहे हैं। अच्छा, उसमें फिर नुकसानात का भी मामला है। हमारी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ज़रिए इसको रजिस्टर होके होना चाहिए, वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, तो हमने ये मौका मुनासिब समझा कि इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाएँ कि ये चीज़ आप अपने आप को इससे बचाएँ, ये गलत है और इसको रुक जाना चाहिए। अच्छा साथ साहब, एंटी रेबीज जो है कुत्ते के काटने के बाद जो वैक्सीन होती है उसके खिलाफ केस भी चल रहा है सिंध हाई कोर्ट में, तो वो अवेलेबल नहीं है कहीं भी ज़िलों में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मैं अभी थरपारकर तक होके आया हूँ परसों। मैंने जहाँ जहाँ गया हूँ सबसे पहले एंटी रेबीज़ और स्नैक वैनम पूछा है, मुझे हर जगह अवेलेबल जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, ये नहीं कि मैं बता के गया था, तो मेजॉरिटी जगहों पर अवेलेबल है। देखें, कुत्ते के काटने का अगर आप देखें जो लोग इस पर मुहिम कर रहे हैं उनमें दो आंसर हैं, एक उस काटने की फौरन सफाई और उसको धोना और उसको क्लीन करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और साथ साथ वैक्सीनेशन होना। वैक्सीनेशन अगर आपकी आपके किसी वजह से ताल्लुका में नहीं है तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जगह अवेलेबल है, और अगर कहीं नहीं है आप मुझे बताएंगे तो हम ज़रूर कर देंगे। लेकिन अभी तक मैं हर अस्पताल में गया हूँ, सखर भी गया था, उससे पहले खैरपुर गया था, पन्नो आकिल गया था, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स में और जो छोटे इलाकों में वहाँ पे भी मुझे रेबीज़ और स्नेक वेनम मिला। अच्छा साथ साहब, सूरत हाल ये है सिंध के अस्पतालों की कि जो है पिज़्ज़ा जो है शहरों में या गांव में पिज़्ज़ा की डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन मरने वाले के लिए या ज़ख्मी के लिए या किसी बीमार के लिए एम्बुलेंस बहुत देर से आती है, तो इतनी हुकूमतें गुजर चुकी हैं, आप जो निगरान हुकूमत है इसमें आपने क्या तजिया एक आपने नोट किया है कि इसमें क्या इसके हल हैं और क्या हो सकता है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एम्बुलेंस की सर्विस स्टार्ट की थी, बड़ी अच्छी सर्विस थी, वो डॉक्टर अजरा और मुराद अली शाह साहब को क्रेडिट, उसको उस लेवल पे लाना है। मैंने पहले भी कहा है उसमें 374 एम्बुलेंसेज हैं इस वक्त पूरे सिंध में, हमें चाहिए 1150 एम्बुलेंसेज, तो अभी हमें बहुत दूर। उसमें से मैंने 500 जो है ना डिस्ट्रिक्ट अपने हॉस्पिटल्स में आइडेंटिफाई करी थी, 700 उसमें से 500 ऐसी हैं जो इस्तेमाल हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह अगर वो 500 इनको मिल जाती हैं मेरे होते हुए या मेरे बाद, तो हम तकरीबन 850 पे के करीब आ जाएंगे या उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो उससे फिर हमारा रीचिंग टाइम है वो तकरीबन 15 मिनट के अंदर हो जाएगा, तो कहीं पे भी एम्बुलेंस सिंध में अगर चाहिए होगी तो 15 मिनट 17 मिनट में आप तक पहुंच जाएगी। इसी तरह अस्पतालों में भी स्टेशन होगी, लेकिन उसके लिए अभी नंबर्स बहुत कम है, 374 पूरे सिंध के लिए, 374 आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इतना बड़ा सूबा, तो बट अगर ये 1150 पे काम कर लिया जाए तो फिर ये मसला नहीं होगा, और ये फ्री सर्विस है, पिज़्ज़ा की तरह अगर आप ऑर्डर करना शुरू कर दें और पैसे से मंगाएँ तो आपको एम्बुलेंस आराम से मिल जाएगी। थैंक यू सर जी। बिल्कुल तमाम साद खालिद निगरान सेहत वारे वजीर जी गाल बुझी, तो उन्होंने जो चवण हो तो एंटी रेबीज हर ज़िले में मौजूद आ है, वैक्सीन जेका कुत्ते जे चक खां पोए इस्तेमाल थींदी आ वह मौजूद है, उनका अलावा जेको क्रेडिट वने तो एम्बुलेंस सर्विस के हवाले से वो गुजरियल गवर्नमेंट के पिण वने तो उन हवाले से जी घुर्बल जरूरतूँ आन एम्बुलेंस घुर्बल उ मिली वेंदू, तो जो पिज़्ज़ा वांगुर ही एम्बुलेंस जो वक्त पुजी वी।